वेलकम है सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्किन। आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्किन देखने वाले, जिसमें ई एन ई आता, प्राइमरी सफिक्स क्या आता उसमें, ई एन ई। जब जब भी ई एन ई आएगा तब तब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब जब भी ई एन ई आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हमारे पास कुछ रूट नेम है, ये रूट नेम आना चाहिए आपको। एक कार्बन का मीथ, दो कार्बन का ईथ, तीन कार्बन का प्रोप, चार कार्बन का ब्यूट, पांच कार्बन का पेटी। जब तक ये रूट नेम नहीं आएंगे तब तक कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्किन में हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, तुमको पूछा गया कि आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्किन में कैसा करते हैं, कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिखते, उसका अल्किन लिखते। लॉन्गेस्ट चेन का क्या लिखते? अल्किन। फॉर एग्जाम्पल, छः कार्बन है तो छः कार्बन का क्या होता है? हेक्स। तो छः कार्बन का हेक्स, उसका अल्किन हेक्सीन। छः कार्बन हेक्स, उसका अल्किन क्या होगा? हेक्सीन। तीन कार्बन, तीन कार्बन क्या बोलेंगे हम? प्रोप। तीन कार्बन का रूट नेम प्रोप होता है और उसका अल्किन प्रोपीन। चार कार्बन का रूट नेम ब्यूट होता है और उसका अल्किन क्या होगा? ब्यूटीन। इसी तरह हमें रूट नेम आना चाहिए और अल्किन में लास्ट में हम क्या लगाते हैं? ई एन ई लगाते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, अब इसके आई यू पी सी नाम कैसे होंगे। तो सबसे पहले इसका आई यू पी सी नाम का सिस्टम है कि एल के लिख डालो, उसके बाद कार्बन नंबर, उसके बाद कार्बन नंबर कौन सा है, तो कौन से कार्बन नंबर पर बॉन्ड है, और लास्ट में क्या लिखो? ई एन ई। फिर से देखो क्या करेंगे अपन। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? ALK लिखेंगे, ALK रूट नेम लिखेंगे। ALK रूट नेम बोलते मीथ ईथ प्रोप। उसके बाद कार्बन नंबर, कौन से कार्बन नंबर से बॉन्ड शुरू हो रहा, और लास्ट में लगाएंगे हम ई एन ई। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास बोला गया कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार कार्बन है, और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। इसकी हम चार चार बॉन्डिंग पूरी करेंगे तो CH3 हो जाएगा, CH, और ये CH, और इसकी वैलेंस फुलफिल करने से CH3 हो गया। तो सबसे पहले कार्बन, टोटल कार्बन कितने देखो? एक दो तीन, तो उसका उसका रूट नेम ALK लिखो। एक दो तीन चार, चार कार्बन है, उसका रूट नेम ALK लिखो। चार कार्बन का रूट नेम क्या होता है? ब्यूट। तो हम लिखेंगे उसका रूट नेम ब्यूट। उसके बाद कार्बन नंबर, जो कार्बन नंबर से बॉन्ड शुरू हो रहा, इधर से गए तो दूसरे कार्बन से शुरू हो रहा, इधर से गए तो दूसरे कार्बन से शुरू हो रहा। 1 2 3 4 कार्बन है, फोर में से इधर से भी गए तो सेकंड नंबर से, इधर से भी गए तो सेकंड नंबर से, तो वो कार्बन का नंबर लिखो 2। और अगर डबल बॉन्ड आता है सेकंड का, डबल बॉन्ड आ गया तो लास्ट में क्या लिखो? ENE। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 ENE। और आप कैसे लिख सकती है? 2 ब्यूटीन। 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, ई का मतलब डबल बॉन्ड, के दूसरे कार्बन से क्या शुरू हो रहा? डबल बॉन्ड शुरू हो रहा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं हम, कैसा? ये CH3 हो गया हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 और ये CH3। तो सबसे पहले उसका रूट नेम देखो ALK के हिसाब से। तो रूट नेम में कार्बन कितने? एक दो तीन चार पाँच कार्बन है, पाँच कार्बन का रूट नेम पेंट होगा। चलो हमने पेंट लिख डाले। उसके बाद आप कार्बन नंबर देखो, जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इधर से देख रहे हो तो कार्बन नंबर तीन से डबल, इधर से अगर नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3, तो तीसरे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा, तीसरे नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा, इधर से दे रहे तो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा। तो हमारे को मिनिमम की तरफ से चलना पड़ता है, शॉर्टकट की तरफ से चलना पड़ता है। केमिस्ट्री का रूल है, आईयूपीएसी रूल का, कि जिधर से हमारे डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम आएंगी उधर से जाना, जो कम कार्बन के आएगा, कम कार्बन पर आएगा। यहाँ क्या दिखता है हमारे को? 2 दिखता है, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, और आपको 2 लगा दिए, लास्ट में डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ENE। अब आइए फॉर एग्जांपल, अगर तुमको बोलते हैं कि ब्यूट, वही तुमको बोलते हैं कि पेंट, पेंट 2 ENE के स्ट्रक्चर बनाइए। तो पेंट का मतलब रूट नेम पेंट है, मतलब पाँच कार्बन है, एलिफेटिक है सबस्ट्रेट चेन में, ये हो गए पाँच कार्बन हमारे। पेंट का मतलब कितने का? पाँच कार्बन। यहाँ बनाते हम देखो कितने कार्बन हो गए? पाँच, एक दो तीन चार पाँच हो गए। टू का मतलब दूसरा बॉन्ड, दूसरा कार्बन। टू का मतलब दूसरे कार्बन से, ई का मतलब डबल बॉन्ड। तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, किधर से भी जाओ, इधर से गए तो ये पहला है, दूसरा, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो बाकी में सब सिंगल सिंगल बॉन्ड देखो, और कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करना शुरू करो। तो CH3 एक दो चार वैलेंसी रहती, दो बाकी है, तो CH2 जितने वैलेंसी बाकी है उतनी हाइड्रोजन से पूरी कर डालो, और ये होगा हमारा पेंट टू इन। अगर इसमें ब्रांच आती है तो हम कैसा लिखेंगे उसका नाम? आईयूपीएसी नाम देखिए,
अगर ब्रांच आती है तो उसका आईयूपीएसी नाम होगा अल्किल, आईयूपीएसी नाम होगा अल्किल, ALK, कार्बन नंबर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो लास्ट में ENE, यानी कि ब्रांच को हमको क्या लगाना पड़ेगा, वायल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्रांच एक कार्बन की आ रही है तो एक कार्बन का क्या बोलते हैं, मीथ, हम लिखेंगे मीथ, उसको वायल लगाएंगे तो क्या बनेगा, मिथिल, उसको वायल लगाएंगे क्या बनेगा, मिथिल। दो कार्बन की ब्रांच आ रही है तो क्या बोलेंगे हम, ईथ, तो उसको वायल लगाएंगे तो क्या बनेगा, इथिल। यानी ब्रांच को हम क्या लगाएंगे, वायल लगाएंगे, वायल नाम का सफिक्स लगाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। तो हमारे पास एक IUPAC नाम है अल्किन का, कौन सा, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और यहाँ पर दे दिए हमको ब्रांच और ये डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन देखो कितनी की, एक दो तीन चार की है। इधर से गए तो दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन पर क्या आ रही, ब्रांच आ रही। इधर से गए तो तीसरे कार्बन पर ब्रांच आ रही, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग दिया करेंगे। डबल बॉन्ड को हम प्रीफेयर पहले करा करेंगे, तो वन कार्बन, टू कार्बन और थ्री कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच आ रही, तो उसका जो कार्बन पर आ रही वो कार्बन का नंबर लिखो थ्री। एक कार्बन है, एक कार्बन का रूट नेम मीथ होता है तो उसको मीथ बोलो। और उसने क्या बोला, उसका वो अल्किल लिखो, यानी उसको क्या लगाओ, वायल लिखाओ, ये हो गया अल्किल। अब लॉन्गेस्ट चेन का रूट नेम लिखो ALK। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, एक दो तीन चार कार्बन की है, चार कार्बन का रूट नेम क्या हो गया, ब्यूट। तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। अब कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड हो रहा शुरू हो, देखो कार्बन नंबर वन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा, यहाँ पर वन है, वन से डबल बॉन्ड शुरू हो तो क्या लिखेंगे हम, वन। और डबल बॉन्ड रहा हम क्या लगाते हैं, ENE। तो ये हो गया थ्री मिथाइल ब्यूट वन ENE, थ्री मिथाइल ब्यूट वन ENE। इसके साथ हम चार चार बॉन्डिंग अगर पूरी करेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, तो CH3, CH, ये CH और ये CH2। आइए एक और नाम देखते हैं, एक नाम में क्या होता है। तो सबसे देखिए यहाँ पर देख रहे हम कैसा, जैसे ये हमारे पास एक है, ऐसा नाम देख रहे हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक ब्रांच लगा दी। अब ये जो दिख रहा हमारे को, ये कैसा बॉन्ड लाइन फार्मूला, यानी यहाँ भी कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसका मतलब उसका रूट नेम हेग्स है ALK। वन टू, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इसका मतलब टू ENE है, हेग्स टू ENE है। वन टू थ्री फोर, फोर पर एक ब्रांच है नीचे, इसका मतलब कार्बन की ब्रांच है, तो फोर लिखेंगे। और एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हैं, मीथ, और उसका अल्किल मिथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर मिथाइल हेक्स टू ENE। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन का हेक्स रूट नेम होता। वन टू, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा था टू, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड रहा था हम ENE लगाते। अब ब्रांच की बारी, ब्रांच आया तो उसको अल्किल लिखते, एक कार्बन की ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, उसको मीथ, और उसको क्या लगाएंगे, वायल। तो ये हो गया हमारा फोर मिथिल हेक्स टू ENE। तो आज हमने देखिए IUPAC नाम ऑफ अल्किन। थैंक यू।